Hello guys, welcome to on my channel on Poly Learner 123. In this video we are going to talk about electrical engineering first, which is the subject of second semester of electronics engineering. Electronic engineering ka second semester ka बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सो इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में हम लोगों ने पहले ही 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5th. चैप्टर 5th का नाम है सेमीकंडक्टर एंड स्पेशल पर्पस मटेरियल्स. एंड इस चैप्टर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. अब इसमें हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द कॉलम भी देखेंगे अगर इसमें होगा तो. और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करेगा, बिकॉज इस बार का जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा. मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर बहुविकल्पीय बेस्ड होगा. तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है एंड ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है कि लाइक हाँ बहुत ही ज़्यादा. अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप कर सकते हैं, आप फोकस करिए, आप आराम से पढ़िए. बट अभी एक महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है. नॉट एक महीना भी नहीं बचा हुआ है, अब तो जुलाई से एग्ज़ाम है. तो एग्ज़ाम होगा तो उसके प्रिपरेशन के लिए देखना है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी. सो पहला देख लेते हैं, किसी ऋणावेशित कण का नाम बताइए. कोई ऋणावेशित कण है तो उसका नाम है, एक ही ऋणावेशित कण है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, तो वो बता दिए. अब सिलिकन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं. सिलिकन के आउटर मोस्ट सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बताएंगे 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन. ऐसे ऑप्शन में पूछ लिया, सिलिकन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, या कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी पूछेगा जब आफ्टर गिविंग एनर्जी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अभी आपसे संयोजी पूछेगा तब भी 4, और फ्री पूछेगा तब भी 4 लगा देंगे. ठीक है, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है. अब कोई जर्मेनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जर्मेनियम इज एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है. तो 2-4 ये पूछता नहीं है, वैसे ये नहीं पूछेगा. अब ये पूछ सकते हैं अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता बतानी है, रेजिस्टिविटी. सो 10^-6 ओम मीटर होता है. अंतर अर्धचालक सिलिकन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10^12 पर mm³, ये हो गया. अब देख लेते हैं किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है. कोई अर्धचालक है उसकी रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, उसकी रेजिस्टिविटी लंबाई पर डिपेंड करती है. किसी तत्व के परमाणु को स्थायी होने के लिए, मान लीजिए कोई तत्व है उसके एटम को स्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है. किसी तत्व के परमाणु को स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है. किसी तत्व के परमाणु को स्टेबल बनाने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है. मान लीजिए कोई तत्व है, मान लीजिए बता रहे हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन. मान लीजिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन है. तो अब नाइट्रोजन है तो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. पहले तो 2 होगा क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है. ठीक है, तो 7 है तो 2 इधर हो गया और 5 इसमें हो गया. अब जब 5 इसमें हो गया तो इसको 3 कहीं और से चाहिए, तो ये कहीं और से लेके अपने आप को बैलेंस करेगा, स्टेबल करेगा. मींस उसके पूर्ण कक्षा को पूर्ण करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है. रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं. जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. केमिकल बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं. पहला देख लेते हैं, विद्युत संयोजी बॉन्ड, ससंयोजी बॉन्ड और फिर से उपससंयोजी बॉन्ड. इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट वाला जो होता है. अब देख लेते हैं बहुविकल्पीय. अर्धचालक की निर्भरता करती है, अर्धचालक इस पर निर्भर करता है. धारावाही चालकों की चालकता पर, धारा प्रति एकांक आयतन पर, दोनों ए व बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं. तो देख लेते हैं धारा के प्रति एकांक आयतन पर, मतलब क्या होता है अर्धचालक किस पर डिपेंड करता है. अर्धचालक जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो एरिया पर डिपेंड करेगी. उसकी प्रतिरोधकता लंबाई पर डिपेंड करती है, तो चालकता किस पर डिपेंड करेगी, आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पे. चालक पदार्थ की धारा घनत्व तो कितनी होती है. कोई चालक पदार्थ है उसकी धारा घनत्व तो कितनी होगी. कोई चालक पदार्थ की धारा घनत्व है J=σE. अर्धचालक पदार्थों का ताप गुणांक होता है. अगर कोई अर्धचालक पदार्थ है उसका ताप गुणांक कितना होगा, धनात्मक होगा, धातु की तरह होगा, शून्य होगा या फिर ऋणात्मक होगा. तो ऋणात्मक होगा,
ताप गुणांक उनका ऋणात्मक होता है। एन टाइप अर्धचालक पदार्थ में मिलाए जाने वाला अपद्रव क्या होता है? एन टाइप है तो पंच संयोजी मिलाया जाएगा। अब बाय अर्धचालक पदार्थों में कोटरों की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, कोटर व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों ही कम होते हैं बाह्य अर्धचालक में, मीन्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों ही कम होते हैं। अब देख लेते हैं सेलेनियम में एक क्या है, सेलेनियम किस प्रकार का अर्धचालक है? अंतः अर्धचालक है, सेलेनियम एक अंतः अर्धचालक है। बाह्य अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होती है? कोई बाह्य अर्धचालक की चालकता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता क्या होगी? बढ़ती है। एक पीएन क्रिस्टल की तरह भी कार्य कर सकता है। किसकी तरह कार्य कर सकता है? प्रवर्धक की तरह। एक पीएन क्रिस्टल जो होता है एम्पलीफायर की तरह कार्य कर सकता है। सिलिकन का निषिद्ध ऊर्जा बैंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये हो गया। पीएनपी ट्रांजिस्टर में अल्पसंख्या के रूप में कोटर होते हैं। सही है कि गलत? असत्य है। कोटर कम नहीं होते हैं, ज़्यादा होते हैं। होल्स कम होते हैं। ग्राही प्रारूपी अर्धचालक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। सत्य असत्य? सत्य बात है। ग्राही प्रारूपी मीन्स एक्सेप्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। एलईडी विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सत्य बात है, एलईडी को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? विकिरण, रेडिएशन में चेंज करता है। गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक पदार्थ पीला रंग प्रदान करता है। असत्य है। जब गैलियम और आर्सेनिक को अलग अलग मात्रा में मिलाते हो तो वो अलग अलग रंगों का प्रकाश देता है और इसका एक विजिबल रेंज होता है। प्रत्येक लाइट का एक विजिबल रेंज होता है और उस रेंज में अपना अपना प्रकाश देता है, ठीक है, उसका रेंज। और लैम्डा की जब वैल्यू चेंज करते हैं तो उस अकॉर्डिंग से हमें अलग अलग रंगों का प्रकाश मिलता है। ये एलईडी में आ जाता है। एलईडी का जब अलग अलग गैलियम आर्सेनिक में जब फास्फोरस की अलग अलग मात्रा मिलाते हैं तो हमें मिलता है अलग अलग रंग के प्रकाश। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1950 में हुआ था। सत्य बात है या असत्य? गलत बात है। अब देख लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻³¹ होता है। ये हो गया पहला। और दूसरा देख लेते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.6 × 10⁻²¹ होता है। ये प्रोटॉन का हो गया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.3 का सी वाला ही है, 1.6 × 10⁻²⁷ होता है। दोनों एक ही होता है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का कोई डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव चार्जेस होता है और ये न्यूट्रॉन है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होता है। अर्धचालक बैंड गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथा हो गया। ये हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। बहुविकल्पी में देखिए हम लोग किसी ऋणावेशित कण का नाम बताइए। इलेक्ट्रॉनों के सिलिकॉन के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? ये 2, 4, 8, 18। अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी है? 10⁻⁶ ओम मीटर है। अंतः अर्धचालक सिलिकॉन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10⁻¹² पर mm³। किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? अर्धचालक की लंबाई पे, और जो उसकी चालकता होती है वो उसकी आयतन पर डिपेंड करती है। किसी भी कोई मान लीजिए कोई एटम है, उस एटम के आउटरमोस्ट सेल में, मतलब उसको बैलेंस बनाने के लिए, कोई एलिमेंट्स के एटम को बैलेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते हैं कि उसका जो आउटरमोस्ट सेल है या फिर उसमें संपूर्ण इलेक्ट्रॉन, मतलब वो अपनी ऑर्बिट्स को पूरा करे। अगर वो अपनी ऑर्बिट्स को पूरा करता है तो वो स्टेबल है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं है। तो ऑर्बिट्स को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया। और आठवां हो गया रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं, विद्युत संयोजी, स्वसंयोजी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हो गया। अब देख लेते हैं अर्धचालक की चालकता निर्भर करती है धारा प्रति एकांक आयतन पर चालक पदार्थ की धारा घनत्व कितनी होती है? J=σE होता है। और ये हो गया अर्धचालक पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। एन टाइप अर्धचालक पदार्थ में मिलाए जाने वाला जो अपद्रव होता है, एन टाइप में एन है तो पेंटावेलेंट मिलाया जाता है और अगर पी रहा तो ट्राईवेलेंट मिलाते हैं। बाय अर्धचालक पदार्थ
में होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन व क्वार्टर दोनों समान होते हैं। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्टर, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल होते हैं, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब देख लेते हैं ये रिक्त स्थानों की पूर्ति। सोडियम एक अंत अर्धचालक पदार्थ है। अब आपसे पूछा गया सोडियम कौन सा पदार्थ है, अंत अर्धचालक है, बाह्य अर्धचालक है या फिर कौन सा है? तो आप बताएंगे सोडियम एक अंत अर्धचालक है। अब देख लेते हैं बाह्य अर्धचालक की चालकता बढ़ने पर चालकता कैसे बढ़ती है, जब ताप बढ़ता है तो बढ़ेगी चालकता, तभी तो उसके वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, सेमी कंडक्टर। एक पीएनएस क्रिस्टल एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। सिलिकन का निश्चित ऊर्जा बैंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की अल्पसंख्या के रूप में क्वार्टर होते हैं, सही बात है। ग्राही प्रारूपी अर्धचालक जो एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और एक एलईडी विद्युत ऊर्जा, एलईडी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रेडिएशन के रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है, प्रकाश का रेडिएशन करता है, प्रकाश का विकिरण करता है, उत्सर्जन करता है। गैलियम आर्सेनिक को जब अलग अलग मात्रा में, गैलियम आर्सेनिक में जब फास्फर को या फास्फोरस को अलग अलग मात्रा में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अलग अलग रंग के प्रकाश मिलते हैं। तो केवल गैलियम और आर्सेनिक मिलाने से हमें पीले रंग का प्रकाश नहीं मिलेगा, इसलिए ये कथन जो है असत्य है। ये कथन असत्य है, सत्य नहीं है। और देख लेते हैं ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1950 में होता है, ये सबसे गलत बात है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.12 × 10⁻³¹ होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻²⁷ होता है और न्यूट्रॉन का भी इतना ही होता है सेम। अर्धचालक बैंड का गैप इतना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो 6th चैप्टर का वीडियो है वो कल अपलोड होगा, और जो 6th चैप्टर है उसका नाम है DC सर्किट, दिष्ट धारा परिपथ।